हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैजिस्टिक होम में फिर से आपका स्वागत है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रे। माता रानी करे आप सबके घर में बहुत सारी खुशियां लेके आए। तो फिर आज अगेन मैं आपके लिए 2 BHK का फ्लोर लेके आई हूँ, मोहन गार्डन के अंदर लाई हूँ। 65 गज का ये फ्लोर है एंड आपको मैं इसे टोटली सेमी फर्निश्ड लो। एंड उससे पहले मैं आपको इस व्यू को स्टार्ट करूँ फ्रेंड्स, सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट कि मैं इसमें क्या क्या आपको दूंगी। पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं रोशनी वर्मा, अपनी मैजिस्टिक होम की सीनियर ब्रांच मैनेजर फ्रॉम दिस साइड। सो नाउ ये जो मेरा फ्लोर पड़ता है मोहन गार्डन में पड़ता है, 100 से 150 मीटर की दूरी पे ही मेट्रो से कनेक्टिविटी है इसकी। मीठा पानी है, गैस पाइपलाइन है, पार्किंग अवेलेबल है। एंड नाउ आई स्टार्ट द व्यू ऑफ माई फ्लोर। उससे पहले मैं आपको स्टेयर्स एरिया दिखाना चाहती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिखाना चाहती हूँ, जो आप घर बंद करने से पहले अपनी स्विच ऑफ लाइट्स बाहर से ऑफ करके जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द व्यूज, देन एक एक करके बहुत आराम से आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। एंड रियली यू लाइक दिस फ्लोर सो मच। उसके बाद रेट ऑफ कॉस्ट वीडियो को एंड करने से पहले बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द व्यू ऑफ दिस फ्लोर। नाउ आई बीन अ केम टू शो यू द स्टेयर्स ऑफ माय फ्लोर। ये मेरी स्टेयर्स है, आप देख सकते हैं मैंने स्टेयर्स में ग्रेनाइट का फ्लोरिंग कर रखा है। अब मैं आपको अपना गेट दिखाती हूँ, जो मैं आपको स्टील का गेट प्रोवाइड करके दूंगी एंट्रेंस पे। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा डिज़ाइनर स्टीलिंग गेट है, जो लॉकिंग सिस्टम इस तरीके से है कि ऑलरेडी आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, जो आप अपनी लाइट्स को कहीं भी पार्टीज़ में जाते हैं तो आउट साइड से अपनी लाइट्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। सो लेट्स मूव इट इनसाइड टू माई फ्लोर। तो देन उसके बाद आपको लिविंग एरिया, बेडरूम्स, वॉशरूम्स, एवरीथिंग दिखाऊंगी। एंड लेट्स मूव इट टू माय लिविंग एरिया। सो फ्रेंड्स, आई एम स्टैंडिंग इट माय लिविंग एरिया। ये मेरा लिविंग एरिया है। तो अब मैं आपको अपना लिविंग एरिया दिखाती हूँ। ये मेरा लिविंग एरिया है। सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। इसमें जो वॉलपेपर मैंने लगाया है वो 3D लगाया है। 3D इट लुक्स रियली वेरी प्रीटी ना, यू नो। जब आप यहाँ पे पिक्चर अपनी क्लिक करोगे ना आके फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा जैसे इस सर्कल ने आपको पकड़ा हुआ है, होल्डिंग कर रखा है। आप देखिए इस तरीके से, आई जस्ट कीप माई हैंड, तो आपको पक्का 100% लग रहा होगा कि जैसे मैम को इस वॉल ने पकड़ा हुआ है। अब मैं बात करती हूँ इसमें फॉल सीलिंग की। तो देखिए मैंने इसको कितना अच्छा फॉल सीलिंग दिया है। फैंस भी मैंने बहुत प्यारे कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं। झूमर की अगर मैं बात करूं तो आप मेरा झूमर देखिए, ग्लास में दिया हुआ है। इसमें मैंने जो झूमर दिया आपको, ये मेरा सोफ़ा प्लेस है, जहाँ पे आप कम से कम अपना 20 सीटर्स का इस तरीके से सोफ़ा कर सकते हैं और सेंटर में टेबल रख सकते हैं। लाइक 3 here 5 6 here एंड अगेन 3 here 3 and 3 6 and 5 11। तो ये आप यहाँ पे आपका 11 सीटर्स का सोफ़ा आ सकता है। अब मैं बात करती हूँ अपने LED पैनल की। तो आपको सी बात है, कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रहा होगा मैम सोफ़ा लग गया, सेंटर टेबल लग गया, अब मेरा TV कहाँ आएगा। तो डोंट गो एनीवेयर, ये आपका प्लेस जहाँ पे मैं आपको LED पैनल लगा के देती हूँ। यहाँ पे आपके फुल साइज़ का LED पैनल आता है। यहाँ पे आप डिज़ाइंस, कोई भी डमीज या कुछ स्टैचूज रख सकते हैं। लाइट्स की बात करूँ, कैमरा मैन इनको दिखाओ, लाइट्स देखिए मैंने कितनी ब्यूटीफुल इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन करी है। स्प्लिट AC के लिए मैंने ऑलरेडी वायर्स पुट ओवर करे हुए हैं। अगर अब मैं बात करूँ अपने एंट्रेंस ऑफ डोर के डिज़ाइन की, तो लेट्स शो यू द डिज़ाइन ऑफ माई डोर। दिस इज़ माई एंट्रेंस डोर। लॉकिंग मैंने देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन कर दिया है, कैमरा मैन इनको दिखाओ आप। और ये जो डिज़ाइन है ये क्रीमिश और ब्राउनी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। जो मैंने इस पर फ्लोरिंग कर रखी है ग्रेनाइट स्टोन की कर रखी है, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने टाइल्स नहीं लगाई, इसमें मैंने फ्लोरिंग टोटली ग्रेनाइट से कर रखी है। अगर मैं बात करूं अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, बेलिंग के लिए, तो डाउनस्टेयर्स में आपकी बेलिंग्स हैं, साउंड प्रूफ घर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल साइलेंस वेव्स आती है। अगर मैं बात करूँ टेलीफोन की, तो मैंने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए की दे रखी है। दिस इज़ अ टेलीफोन, कोई भी आपके यहाँ पे आता है वो पहले आपके रिंगिंग करेगा, ऊपर बेल बजेगी, उसके बाद जाके आप ऊपर से ही गेट को खोलेंगे इस तरीके से। दिस इज़ योर की ऑफ योर गेट्स मैं राइट। सो लेट्स मूव इट टू माई फर्स्ट बेडरूम। स्टॉप इट,
नो नीड, लेट्स मूव इट टू माय किचन एरिया। तो अब मैं अपने किचन एरिया को आपका दिखाना चाहती हूँ, सो लेट्स मूव इट। सॉरी, इधर ऑलरेडी क्या बोलूँ यार, कटन उतर गया था तो मैंने यहाँ पर रख दिया। कहो आप मेरी वीडियो को देखो, रखो मैम यहाँ पे कर्टन लगा रखा हुआ है, तो ये कर्टन उतर गया था तो मैंने अभी यहाँ रख दिया था। सो लेट्स स्टार्ट द फ्रिजिंग एरिया। मैं आपको फ्रिज एरिया पहले दिखाना चाहती हूँ। दिस इज माय फ्रिज एरिया। कैमरा मैंने इधर दिखाओ। टाइल्स की अगर मैं बात करूँ, आप डिज़ाइन देख सकते हैं क्रीम में, ब्लैक स्ट्रक्चर में। अगर मैं आर ओ की बात करूँ, आप अपना यहाँ पे आर ओ एंड गीज़र पुट ओवर कर सकते हैं। विंटर्स के लिए लेडीज़ को एसेसरीज वॉश करने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप यहाँ पे आर ओ। इसमें भी मैंने अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं। अगर मैं बात करूँ टैप्स की, तो लेटेस्ट डिज़ाइन के हैं। मीठा पानी यहाँ से आता है, टैप जो टैंक का पानी है वो यहाँ से आता है। डस्टबिन के लिए भी मैंने हाइड एंड सीक दे रखा है, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप जो कचरा है वो कहाँ फेंक रहे हो। And that's true. So let's move it to my drawers again. अब मैं आपको drawers दिखा रही हूँ अपने, आप देख सकते हैं ये मेरा चिमनी है जो मैं आपको लगा के दूंगी। सॉरी फ्रेंड्स, ये मेरा कर्टन उतरा हुआ है। अगर मैं बात करूँ, ये सेकेंड मेरा सेकेंड ड्रॉर है। चैनल्स की बात करूँ, आप देख सकते हैं कितना प्यारे डिजाइन दिए हुए हैं प्लेट्स के लिए, स्पूंस, अगेन बाउल्स, अगेन ड्रमिंग, एवरीथिंग जो आपका एसेसरीज होता है। अगेन यहाँ पे एक और ड्रॉर, दिस इज अ फाइनल ड्रॉर। सिलेंडर के लिए भी दिया, वैसे यहाँ पे गैस पाइपलाइन है तो आपको सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है। सिलेंडर पड़ेगा 800 रुपये का, गैस पाइपलाइन पड़ेगी मंथली हार्डली 400 से 500-600 रुपये में आपके गैस पाइपलाइन का बिल आता है। एंड ऑफकोर्स ये बात है, आज के टाइम में दिल्ली ने बहुत ही ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ दे दी हैं। और ऑफकोर्स ये बात है, दिल्ली सरकार भी अब सोच रही है कि कोविड के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं काम में प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं एक एक रुपया अपना बचाया जाए फ्रेंड्स। सो लेट्स गोइंग टू माय फर्स्ट रूम विच वॉज एंटर्ड से करते, सबसे पहले मैं अपने फर्स्ट बेडरूम में जाती हूँ। ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है जो अटैच वॉशरूम के साथ है। अलमीरा मैंने इसमें दी हुई है। टेक्सचर की बात करूँ तो इसमें मैंने आपको जो कॉम्बिनेशन दिया है, ग्रे प्लस वाइट प्लस ब्लैक, सिल्वर सिल्वर टचिंग है। जो कर्टन आपने मेरा किचन में देखा था वो मेरे इधर का है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस रूम के अंदर सबसे पहले फॉल सीलिंग दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए मेरे फॉल सीलिंग, अगर मैं फ़ैन की बात करूँ कॉम्बिनेशन में, आप देख सकते हैं फ़ैन में भी मैंने गोल्डन पाइपलाइंस नहीं दी, सिल्वर दी है, सिल्वर प्लस फ्रेम स्ट्रक्चर में। अगर हम मैं बात करूँ अलमीरा की, तो मेरी अलमीरा देख सकते हैं आप। कर्टन्स मैं आपको लगा के दे रही हूँ, सिल्वर कलर के कर्टन्स हैं। ऊपर के ड्रॉज आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आपका विंडो एरिया दिखाना चाहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो लेट्स मूव इट टू फॉर माय विंडो प्लेस। ये मेरा विंडो प्लेस है, शाफ्टिंग है यहाँ पे, कर्टन ऑलरेडी दे रही हूँ। वेरी प्रिटी ना, सीरियसली फ्रेंड्स, रियली लुक्स अ वेरी प्रिटी। ये नहीं, मेरे जितने भी फ्लोर्स हैं उनको मैं जब डिज़ाइन करवाती हूँ, जब मैं नक्शा करवाती हूँ, तो रियली इतने अच्छे तरीके से कराती हूँ कि जैसे मैंने खुद ने यहाँ पे रहना है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ हर इंसान बहुत मेहनत से घर बनाता है, एक एक पैसा जोड़ के अपना घर बनता है फ्रेंड्स। सो लाओ अब उससे पहले मैं आपको सेकेंड मास्टर बेडरूम में लेके जाऊँगा, मैं आपको आपका वॉशरूम दिखाना चाहती हूँ। सो लेट्स मूव टू माय वॉशरूम। ये मेरा पॉटिंग एरिया है जहाँ पे हम फ्रेशमेंट लेते हैं, चिल आउट। ये मेरा शावरिंग है, ये मेरा वॉश बेसिन है, ये मेरा टैपिंग डिज़ाइन है। टैपिंग की बात करूँ लिख सकते हैं टैप। ये मेरा टैपिंग एरिया है। सर मैं आपको दिखाना चाहती थी कि यस ऑलरेडी ये वर्किंग में है, नाउ ये रेडी टू मूव है। अगर मैं इधर करूँगी तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं गीली हो जाऊँगी, तो बेटर है कि मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ। तो कैमरामैन ये लाइन मत काटिएगा जो मैंने टैपिंग दिखाई है, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम फ्लोरिंग तो ले रही हूँ और ले भी रहा हूँ, बस ये तो बता दो सामान रखते सेटल हो जाऊँगा। तो आपको इस दिखाने का मतलब ये था कि टैप का वाटर भी चालू है। सो डोंट वरी, सामान लाओ, क्विकली अपना घर बनाओ। सो आ चुकी अपने सेकेंड मास्टर बेडरूम में। ये मेरा सबसे फेवरेट बेडरूम है, क्यों है, क्योंकि बालकनी के अटैच्ड है और ये भी इसमें भी वॉशरूम अटैच्ड है। सो वॉलपेपर की बात करूं, आप देख सकते हैं अगेन मैंने जो यहाँ पे टेक्सचर दिया है सिल्वर और ग्रे स्ट्रक्चर में दिया है। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूं, आपने मेरे फर्स्ट बेडरूम में देखा, टोटली डिफरेंट। इधर की बात करूं, फैन भी मैं आपको क्रीम कलर का दे रही हूं। फॉल सीलिंग देख सकते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी मैं आपको एक कर्टन लगा के दूंगी। डोर की डिज़ाइन की बात करूं तो मेरे इस फ्लोर में सारे के सारे डोर सिमिलर्स हैं, वॉशरूम के, एंट्रेंस के, बेडरूम्स के, ऑल आर टोटली सेम डिज़ाइंस। और अगर मैं एलईडी की बात करूं तो अभी मैंने इसको होल्ड पे डाल दिया फ्रेंड्स,
वो जब आप इसको बुक करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपका, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको LED पैनल यहाँ पे लगा के दूंगी। दोनों बेडरूम्स में मैंने होल्ड पे इसीलिए डाला है डिमांड्स ऑफ योर्स। सो लेट्स नाउ आई एम गोइंग टू टेक यू टू माय वॉशरूम विच इज़ अ मोस्ट कंपल्सरी फॉर अस, क्योंकि सुबह उठते ही कहाँ सुबह सुबह बाहर निकलेंगे यार, तो सोचते हैं बेडरूम अटैच हो तो फिर बेस्ट रहता है। तो ये मेरा पॉटिंग एरिया है, ये मेरा बाथिंग एरिया एट द बैक साइड। शावरिंग देख सकते हो, वेंटिलेशन के लिए मैंने विंडो दे रखी है। डोर डिज़ाइन देखो कितना अच्छा है। हाँ, ये मेरे को इसको देख के थोड़ा सा अपने टाइम की याद आ गई, अपना टाइम इन द सेंस लेटेस्ट डिज़ाइन, थोड़ा सा लेटेस्ट डिज़ाइन लगा ला करके कुछ कुछ यादें आंटी के टाइम की भी याद आनी चाहिए ना। आंटी के टाइम में इस टाइप की टैपिंग्स आती थी, लॉकिंग जो होता था इस टाइप का होता था, और हमारे टाइम में इस टाइप का है, राइट। सो ये मेरा टैपिंग एरिया है। अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी बालकनी में, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कर्टन की बात करूँ, अगेन मैंने इस रूम में भी आपको कर्टन लगा के दे रही हूँ। अब हम चल रहे हैं अपनी बालकनी में, जहाँ पे आप अपना विंडो इसे पुट ओवर कर सकते हो। ऊपर मैंने ग्लास दिया हुआ है, जाल दिया हुआ है। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर बालकनी। दिस इज माई वेरी ब्यूटीफुल बालकनी, ये मेरी बालकनी है। एंड आप देख सकते हैं सामने, सुबह सुबह अगर भगवान के दर्शन हो जाए तो कहते हैं ना सोने में सुहागा। तो ये जो मेरा फ्लोर है ये सोने में सुहागा है। जब भी मैं कहीं भी, यहाँ मेरा वॉशिंग एरिया है, स्विच पावर का बोर्ड दे रखा है, टैपिंग दे रखा है, चैनल्स के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि आप अपने क्लोथिंग सुखा सकते हैं। तो अगर अब मैं बात करूँ कॉस्ट एंड रेट्स की, तो वो तो मैं ड्राइंग रूम में जाके करती हूँ। लेट्स मूव टू माय ड्राइंग रूम एरिया। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करती हूँ इस फ्लोर के रेट ऑफ कॉस्ट की, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज़ 100% चल रही होगी कि रोशनी मैम ये फ्लोर 40 या 45 लाख्स का है। यू आर राइट एट योर प्लेस। इस फ्लोर की जो कॉस्ट पड़ती है वो 45 के अराउंड पड़ती है, क्योंकि ये जो मेरा फ्लोर है ये ए ब्लॉक के अंदर है, 150 मीटर्स की दूरी पे है, 65 गज का है, शनि मंदिर के जस्ट सामने है। अगर आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको मूर्ति दिखाई है, ये फ्लोर सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट पे मैं आपको 33 लाख्स में दे रही हूँ फ्रेंड्स। 65 गज का ए ब्लॉक के अंदर 33 लाख्स में आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसमें मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन करवाती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, दिस इज़ रियली ट्रू कि ये जो फ्लोर में जब आप मेरे पास फ्लोर लेने आते हो, तो प्लीज़ यार बुक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स दे दे करो। दिस इज़ रियली रिक्वेस्ट टू यू, आप सिर्फ मुझे बुकिंग अमाउंट दो। प्रोमिसिंग टू यू, इस बात का मैं प्रोमिस करती हूँ, विद इन 30 to 40 days के अंदर मैं आपको चैलेंज के साथ आपका लोन करके देती हूँ। इधर आपने बुकिंग करी, इधर आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए, पूरा ट्राई ओवर करती हूँ 15 to 20 days में आपके घर की चाबी आपके पास। बुकिंग अमाउंट दीजिए, जल्द से जल्द लोन करवाइए और अपने घर की चाबी लीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से जो मैंने इसमें बेस्ट ऑफर दिया है वो दे सकी हूँ। एंड दिस इज़ रियली ट्रू, ये बहुत अच्छा फ्लोर है, भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के मंदिर के सामने है। सुबह सुबह अगर हमारे जीवन में भगवान के दर्शन हो जाए तो इससे शुभ कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड दैट इज़ रियली ट्रू, मैं कोई डीलर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बिल्डर हूँ, मैं अपने मकान खुद बनाती हूँ, अपने प्रोजेक्ट को खुद लॉन्चिंग करती हूँ मार्केट के अंदर। एंड दिस इज़ रियली ट्रू, मैं उन सब तक मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ जितने भी लोग अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट के उससे लगाना चाहते हैं, जितने भी पर्सन्स अपने रेंट पे रह रहे हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं। आज के टाइम में हॉट टी बन चुका है मोहन गार्डन, एंड दिस इज़ रियली ट्रू। मोहन गार्डन इज़ रियली गेटेड सोसाइटी, पंजाबी सोसाइटी। और फ्रेंड्स, अब तो बल्ले बल्ले करने का टाइम है, क्योंकि मैंने प्लान कर लिया है कि जल्द से जल्द मैं पंजाबी बिल्डिंग्स, गुजराती बिल्डिंग्स, तमिलनाडु बिल्डिंग्स के नाम लगा के अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली हूँ। और जल्द से जल्द विद इन अ 1 month के अंदर आपके सामने रोशनी वर्मा, आपकी खुद की रोशनी आपके लिए बहुत अच्छी सोसाइटी बनाने वाली है, जो स्पेशली पंजाबीज के लिए पंजाबीज होगी, गुजरातीज के लिए गुजराती होगी, हिंदू जो होते हैं बनिए सोसाइटीज़। अगर मैं बात करूँ सरदारों के लिए, सिखों की, तो सिखों के लिए एक सोसाइटी बनाऊंगी जिसमें सारे सरदार्स होंगे, और जब भी लोहड़ी होगी रोशनी मैम वहाँ पे आके बल्ले बल्ले करेगी, बल्ले बल्ले करेगी। सो फ्रेंड्स, दैट्स रियली ट्रू, इस ऑफर्स को जाने मत दीजिए। 33 लाख्स में इस घर को बुक कराइए, अपने सपने को साकार कीजिए। सोसाइटी के अंदर मैं आपको दे रही हूँ दिल्ली जल बोर्ड पानी, दिल्ली जल बोर्ड तो यार मैं ही बोलती हूँ, दिल्ली में तो हूँ यार,
नई दिल्ली के अंदर हूँ तो दिल्ली जल बोर्ड क्यों बोलती हूँ, सीधी सी बात है, मीठे पानी प्रोवाइड करके देती हूँ, मीटर्स लगा के दूंगी। रियली बस आपको सामान लाना है, अपने घर में शिफ्ट होना है और जल्द से जल्द, मेरा ये ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, और जल्द से जल्द मैं आपको ये जो सोसाइटी वाला प्लान है लॉन्चिंग करने वाली हूँ। आप भी, दिस इज रियली ट्रू, रोशनी इज द बिगेस्ट बिल्डर, और जल्द से जल्द आपको प्रूफ कर दूंगी कि मुझसे अच्छा बिल्डिंग और मुझसे अच्छा प्रोजेक्ट कोई इंडिया में नहीं बना सकता, एंड दैट्स ट्रू, आई विल शो इट टू यू। सो फ्रेंड्स, कम मीट मी इन माई ऑफिस 8595333 में, मुझे कॉल करो और अपना घर बुक करो, प्लीज डोंट डिले आउट यार, और प्लीज बुकिंग करो, 5 दिन में घर की चाबी ले जाओ, इज ऑन योर्स फ्रेंड्स, क्योंकि आप प्लीज फाइल को लेके मुझे आपका साथ चाहिए, बुकिंग करने के बाद फाइल देने के लिए डिले मत कीजिए, जल्द से जल्द अपने रेंट से फ्री होइए और अपने सपने को साकार कीजिए। माता रानी के आशीर्वाद से इन दिनों में प्लीज जितने लोग रेंट पे रह रहे हैं यार, अपने घर में आ जाओ और साथ में माता रानी को भी बुला लो, एक के साथ दो दो मिठाई, जैसे माता रानी के शुभ चांदन में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसी तरीके से हर इंसान का सपना होता है कि क्यों ना मैं माता रानी को अपने घर में बुलाऊं। सिर्फ और सिर्फ बुकिंग अमाउंट 21,000, रेस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा लोन कराती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पूरा सपोर्टिव करती हूँ कि जो आप रेंट पे 10 से 15 साल से रह रहे हो, 5 साल से रह रहे हो, क्यों देना यार अपनी मेहनत की कमाई किसी को, कोई जरूरत नहीं है देने की, सीधा रोशनी मैम के पास आओ, उसे मुझे अपना बुकिंग अमाउंट देते हैं, साथ में अगर मुझसे मुझे इवनिंग में उसी टाइम मुझे आप अपना फाइल देते हैं तो आई एम रियली प्रॉमिसिंग यू 40 डेज का टाइम कहती हूँ, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका लोन करा के आपको अपने घर की चाबी आपके हाथ में देती हूँ। एंड रियली फ्रेंड्स, आई रियली देयर टू सपोर्ट यू, सो प्लीज मेक योर होम। रियली कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्लान भी है, अगर घर को लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। एंड रियली ये एयरपोर्ट से बहुत पास है, गुरुग्राम से बहुत पास है, गुरुग्राम भी अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा लगता है, तो यार हरियाणा में क्यों जाना, अपना घर बनाना तो यहाँ बनाओ ना, दिल्ली के अंदर बनाओ, नई दिल्ली है, एयरपोर्ट से पास है, ऑफकोर्स ही बात है निजामुद्दीन स्टेशन की मैं बात करूँ या जितने भी रेलवे स्टेशन, यहाँ से सब कुछ बिल्कुल पास है, हॉटी बना हुआ है एंड आने वाले टाइम में डबल ट्रिपल हॉटी बनेगा। सो प्लीज जल्द से जल्द आइए, रोशनी मैम को कॉल कीजिए 8595333 में, जल्द से जल्द आके अपने इस घर को अपना बनाइए, अपने सपने को साकार कीजिए और माता रानी को अपने घर में बुलाइए। सो सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो एंड करने से पहले तो मैं आपको सब्सिडी बताना भूल ही गई थी यार, चलो माता रानी ने कहा इसी बहाने रोशनी मेरा नाम तो लेगी, एंड दिस इज रियली ट्रू। इस मकान को लेने का मतलब अगर अभी 33 लाख में मैं आपको देती हूँ डिस्काउंट के साथ, 80% से भी ज़्यादा मैं आपको इस पर डिस्काउंट दे रही हूँ, तो आप ये सोच लीजिए फ्रेंड्स कि इसमें आपको सब्सिडी मिलती है 3,20,000 पे, तो ये फ्लोर आपको 30 लाख से भी कम का पड़ता है, जो 29,80,000 का पड़ता है फ्रेंड्स। 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में, 3 से 4 से 6 महीने के अंदर आपके अकाउंट में सब्सिडी आती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट की, मोदी सरकार जी की को मैं थैंक यू बोलती हूँ, जो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको बहुत सपोर्टिव कर रहे हैं कि 3 लाख रुपये की सब्सिडी देके जो दिल्ली में पहली बार मकान बना रहे हैं वो अपना घर बना सके। ऑफकोर्स ये बात है, हमें आज एक आज के टाइम में अगर कोई हमें 1 रुपये की भी मदद करता है तो हमारे लिए भगवान बराबर होता है फ्रेंड्स, एंड दिस इज रियली ट्रू। तो ये जो सब्सिडी का ऑफर है इसको जाने मत दीजिए, और ऑफकोर्स ये बात है जल्द से जल्द अपना घर बनाइए। ये जो 33 लाख का मकान आपको, 33 लाख का मकान आपको 30 लाख का पड़ेगा, बाकी ऑन टेबल में डिस्कस करूंगी, तो प्लीज जल्द से जल्द आइए, इस ऑफर को पिक कीजिए, माता रानी के टाइम में अपना घर बनाइए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, शबा खैर, बाय, जय माता दी, थैंक यू सो मच।